गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज मैं भाषा की परिभाषा और भेद आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाषा भाषा उस साधन को कहते हैं जिसके जरिए इंसान बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मनों के भाव और विचारों को प्रकट करता है। अथवा दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, इसके जरिए इंसान अपने भावों को लिखित मौखिक में अन्य लोगों को समझा सके या दूसरे भावों को समझ सके, कहते हैं। तो हम कि भाषा के कितने भेद होते हैं दोस्तों। भाषा के तीन भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। भाषा जिसे हम बोलकर, लिखकर व संकेत के रूप में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। पहला मौखिक भाषा। भाषा का जो रूप मुंह से बोलकर तथा कानों से सुना जाता है वो मौखिक भाषा कहलाता है। उदाहरण, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता है। मोबाइल पर बातें करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा लिखित भाषा का जो रूप हाथों से लिखा तथा आंखों से देखा और पढ़ा जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। यही भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा से ज्ञान का संचय किया जाता है, जिससे कोई भी जानकारी को लिखित रूप देकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण, जब क्लास में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय विचारों को लिखकर समझाता है तो लिखित भाषा कहलाता है। या आप इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी लिखित भाषा का प्रयोग तीसरा संकेतिक भाषा, जिस भाषा में केवल संकेतों अथवा चिन्हों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है वह संकेतिक भाषा कहलाती है। इस भाषा में बिना ध्वनि अंगों का प्रयोग के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों, हाथों, चेहरों, गर्दन आदि के माध्यम से संकेतों के रूप में दूसरे को समझाया जाता है। उदाहरण, प्राचीन काल में मानव अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा लेता था, हाथ के इशारों से आने या जाने का संकेत करना। प्रकार आप भाषा का इन तीनों प्रकारों को देखें जिससे स्पष्ट हो गया कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मौखिक। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।